चैप्टर नंबर 6, हैरिस मेक्स स्क्रैम्बल्ड एग। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे इन तीनों फ्रेंड्स का, जॉर्ज का, हैरिस का और जो ऑथर है उनका खुद का, बोट पर दिन किस तरीके से बीता और कैसे उन्होंने अपनी बोट को बांधा, उसे कवर किया। उसके आगे की स्टोरी को हम चैप्टर नंबर 6 में कंटिन्यू करेंगे। लेट्स बिगिन। एज सून एज द कवर वॉज इन प्लेस, और जब कवर अपनी जगह पर ठीक से लग गए, वी स्टार्टेड टू प्रिपेयर सफ़र, तो हमने अपना खाना बनाना शुरू किया। वी वॉन्टेड सम हॉट वाटर टू मेक टी, हमें चाय बनाने के लिए कुछ गर्म पानी की ज़रूरत थी। वी पुट द टी केटल ऑन द स्टोव, हमने स्टोव पर हमारी जो टी केटल थी उसको रख दिया। वी प्रिटेंडेड दैट वी वर नॉट इंटरेस्टेड इन द वाटर, हम ऐसा एक दूसरे को दिखा रहे थे कि हम पानी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वी वॉन्टेड द वाटर टू थिंक दैट वी डिड नॉट केयर अबाउट इट, हमें पानी केवल इसलिए चाहिए था कि हमें पानी की परवाह बिल्कुल भी नहीं है। वी बिगिन टू प्रिपेयर सफर, और हम ऐसा प्रिटेंड करते हुए अपने खाने को बनाने लगे। दिस वॉज द ओनली वे टू मेक द वॉटर बॉयल ऑन अ बोट, और यही एक तरीका था पानी को बोट पर उबालने का। इफ द वॉटर नोज यू आर वेटिंग फॉर इट, इट विल नेवर गेट हॉट, और ये उनका अजम्पशन था, पता नहीं क्या था, वो सोच रहे थे कि अगर पानी को ये पता लगा कि तुम उसे गर्म करने की कोशिश करो तो वो कभी गर्म होगा ही नहीं। यू मस्ट नॉट लुक एट इट, तुम्हें पानी को गर्म होते हुए नहीं देखना है। इट इज़ अ गुड आइडिया टू शाउट आई डोंट वॉन्ट एनी टी, डू यू जॉर्ज, तो हमें ये आइडिया सही लगा जब हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि हमें चाय की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें भी नहीं है ना जॉर्ज, जिससे उनका पानी बातों ही बातों में गर्म हो जाए। जॉर्ज शाउट्स बैक, ओ नो आई डोंट लाइक टी, आई विल हैव मिल्क, तो जॉर्ज प्रिटेंड करते हुए बोला कि नहीं नहीं मुझे तो चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं तो दूध पीऊँगा। एंड यो हैरिस, और हैरिस तुम क्या लोगे, टी इज़ टेरेबल, आई नेवर ड्रिंक इट, आई विल हैव लेमनेड, तो हैरिस बोला कि नहीं टी तो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, ख़तरनाक होती है, मैं नहीं पीता कभी इसको, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लेमनेड मतलब नींबू पानी पीऊँगा। यहाँ पर सभी के सभी दोस्त मिलकर पानी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस मेक्स द वाटर वेरी एंग्री, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। एट दिस पॉइंट द वाटर विल बॉयल, तो उनका ये मानना था कि पानी को इतना गुस्सा आएगा कि वो गुस्से में उबलने लगेगा। वी रियली वॉन्टेड दैट सफ़र, हमें खाने की सख्त ज़रूरत थी। वी नीडेड दैट सफ़र, हमें चाहिए था खाना। फॉर 35 मिनट्स नोबडी स्पोक, 35 मिनट्स तक तो कोई बोला ही नहीं। वी जस्ट एट एंड एट, हमने जब वो खाना बना लिया था तो हम केवल खाए जा रहे थे, केवल खाते ही रह रहे थे हम, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। फाइनली वी ऑल हैड फुल स्टमक, तो जल्दी ही हम सभी का पेट भर गया। वी वर हैप्पी, हम खुश थे। अ फुल स्टमक मेक्स यू फील काइंड एंड जेनरस, और जब तुम्हारा पेट भरा हुआ रहता है तब तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु और जेनरस हो जाते हो। वी सैट एंड स्माइल एट ईच अदर, और हम बैठकर एक दूसरे की ओर देखकर स्माइल करने लगे। वी स्माइल्ड एट मॉन्टमोरेंसी टू, हम कुत्ते को देखकर उससे भी स्माइल कर रहे थे। वी स्टार्टेड स्मोकिंग अवर पाइप्स एंड बिगेन टू टॉक, हमने अपने पाइप्स को चिताया और हम स्मोक करते हुए बात करने लगे। वी वेंट टू बेड एट 10 o'clock, 10 बजे हम बेड पर सोने के लिए गए। आई डिड नॉट स्लीप वेल, मुझे तो नींद ही नहीं आई। आई वॉजन्ट कम्फर्टेबल इन द बोट, और मैं बोट में बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं था, इस वजह से मैं सो नहीं पाया। आई वोक अप एट 6 o'clock द नेक्स्ट मॉर्निंग, और 6 बजे सुबह सुबह जब मैं उठा, एंड जॉर्ज डिड टू, और जॉर्ज भी सुबह 6 बजे उठ गया। देर वॉज नो रीज़न टू वेक अप सो अर्ली, जल्दी उठने का कोई ऐसा रीज़न तो हमारे पास में नहीं था। वी वर ऑन हॉलीडेज, अरे हम तो हॉलीडे पर थे ना, Why did we wake up so early? तो हम जल्दी क्यों उठ गए थे, हमें तो बहुत देर तक सोना चाहिए था। It never happens to us when we are working, और जब हम इतना ज़्यादा काम करके सोते हैं तो ऐसा हमारे साथ में usually नहीं होता कि हम इतने जल्दी उठ जाएं। We decided to wake up Harris, तो हमने decide किया कि हम Harris को भी उठा देते हैं। This was hard work, और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। We used an oar to help us, चप्पू लिया और उससे हैरिस को उठाना शुरू किया। चप्पू मतलब जिससे हम बोट को खींचते हैं। हैरिस मूव्ड
अ बिट एंड सैड. हैरिस थोड़ा सा हिला और कहा, आई विल बी डाउन स्टेयर्स इन द मिनट. और एक मिनट में बस जस्ट मैं आ ही रहा हूँ. मतलब वो नींद में था और नींद में बड़बड़ा रहा था. गेट माई बेस्ट बोट्स रेडी प्लीज़. मेरे जो बेहतरीन बोट्स हैं उसको आप रेडी रखना, मैं जस्ट आ ही रहा हूँ एक मिनट में नीचे. वी ट्राइड अगेन विद अ बोट हुक. और हमने फिर से बोट हुक से उसको उठाने का ट्राई किया. हैरिस सेट अप सडनली. हैरिस अचानक से उठकर बैठ गया. एंड मॉन्टमोरेंसी फेल ऑफ द बेड. और हमारा जो मॉन्टमोरेंसी कुत्ता था वो बेड के नीचे आ गया. वी पुल्ड अप द कैनवास कवर एंड ऑल फोर ऑफ अस लुक्ड आउट एट द रिवर. हमने कैनवास कवर को हटाया और बोट के बाहर देखा. वी वर वेरी कोल्ड. हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. वी हैड प्लान टू गो स्विमिंग. और हमने प्लान किया कि चलो हम स्विमिंग करेंगे. बट द वाटर लुक्ड सो कोल्ड एंड वेट. लेकिन जो पानी था वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लग रहा था. वेल हु इज़ गोइंग स्विमिंग फर्स्ट, आस्क्ड हैरिस. हैरिस ने सभी से पूछा कि स्विमिंग में सबसे पहले कौन जाएगा. नो वन वॉन्टेड टू बी फर्स्ट. और किसी को भी पहले नहीं जाना था. जॉर्ज डिसाइडेड टू गेट ड्रेस्ड. जॉर्ज ने डिसाइड किया कि वो सबसे पहले कपड़े पहन लेगा. मॉन्टमोरेंसी बार्क्ड विद हॉरर एट द आइडिया. और जैसे ही ये आइडिया था कि पानी में सबसे पहले कौन जाएगा, मॉन्टमोरेंसी तो जो डॉग था वो डर गया. हैरिस वेंट टू लुक फॉर हिज ट्राउजर्स. और जो हैरिस था वो अपने ट्राउज़र को ढूंढने लगा. आई डिसाइडेड टू गो टू द रिवर बैंक एंड थ्रो सम वाटर ऑन माई सेल्फ. मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नदी के किनारे पर जाऊँगा और अपने ऊपर कुछ पानी डालूंगा. I held onto the branch of a tree and moved to the water. जब मैं पानी के अंदर गया तो मैंने अपने आप को सहारा दिया पेड़ की एक ब्रांच को पकड़कर. It was very cold. और वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी. पानी भी बहुत ठंडा था. And I decided not to go in. और पानी इतना ज़्यादा ठंडे होने की वजह से फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं पानी में नहीं जा रहा. I wanted to go back to the boat. और मैं चाहता था कि मैं वापस से बोट पर जाऊं. बट सडनली द ब्रांच ऑफ द ट्री ब्रोक. और जो पेड़ की ब्रांच जिसका सहारा मैंने लिया हुआ था वो टूट जाती है. आई फेल इन टू द रिवर अलॉन्ग विद माई टावल. मैं अपने टावल के साथ ही नदी में गिर गया. आई ऑल्सो ड्रैंक अबाउट अ बॉटल ऑफ थेम्स वाटर. और जब मैं नदी में गिरा तो पानी मेरे मुँह में चला गया. तकरीबन एक बॉटल पानी तो मेरे फेफड़ों में पहुँच चुका था. Good heavens, old Jay is in the water, Harris said. Harris ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि देखो क्या हुआ, जे जो है वो पानी के अंदर चला गया. How's the water, George asked. George ने पूछा कि पानी कैसा है. It is lovely, I answer. Why don't you come in? तो मैंने आंसर दिया कि पानी तो बहुत अच्छा है, तुम क्यों नहीं अंदर आते. Nobody wanted to try the water. किसी को भी पानी के अंदर नहीं आना था, वो घबरा रहे थे पानी से. When I got back to the boat, जब मैं बोट पर वापस गया, I was very cold. तो मैं बहुत ही ज़्यादा सर्दी में था, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी. I wanted to put on my shirt, but it fell into the river. मैं चाहता था कि मैं अपनी शर्ट को पहन लूँ, लेकिन वो शर्ट भी रिवर में गिर चुकी थी. It made me angry, जिससे मुझे काफ़ी गुस्सा आया. George started laughing. जो George था ये देखकर वो हंसने लगा. I don't see anything to laugh at, I said. तो मैंने झल्ला कर गुस्से में बोला कि इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है. जॉर्ज लाफ्ड इवन मोर. जॉर्ज और ज़ोर से हंसने लगा. आई नेवर सॉ अ मैन लाफ सो मच. मैंने इसके जितना हंसने वाला आदमी नहीं देखा. आई वॉज कोल्ड एंड फ्यूरियस. मुझे सर्दी लग रही थी और मैं काफ़ी गुस्से में था. आई वॉज ट्राइंग टू गेट माई शर्ट आउट ऑफ द रिवर. मैं कोशिश कर रहा था कि मैं नदी से अपनी शर्ट को निकाल पाऊँ. जॉर्ज वॉज लाफिंग लाउडर एंड लाउडर. और ये देखकर जॉर्ज बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था. स्टॉप लाफिंग यू स्टूपिड इडियट, आई शाउटेड. मैंने चिल्लाकर उसे कहा कि इडियट कहीं के स्टूपिड, हंसना बंद करो. व्हेन आई फाइनली पुल्ड द शर्ट आउट ऑफ द रिवर. जब मैंने फाइनली रिवर से वो शर्ट निकाल ली, आई सॉ दैट इट वॉजेंट माइन. तो फिर मैंने देखा कि वो मेरी नहीं थी. इट वॉज जॉर्ज शर्ट. वो जॉर्ज की शर्ट थी. आई स्टार्टेड लाफिंग टू. फिर मैं हंसने लगा. I laughed so much that I dropped the shirt into the river again. और मैं इतना हंसा कि वो शर्ट मेरे हाथ से छूटकर फिर से नदी में गिर गई. Aren't you going to get it out? said George. अब क्योंकि वो शर्ट जॉर्ज की थी तो जॉर्ज चिल्लाया, क्या तुम उसको लेने अब नहीं जा रहे हो. वो कॉन्टिन्यू लाफिंग, जो कि हंसते हुए पूछ रहा था. I did not answer him for a while. मैंने उसे कुछ देर तक तो आंसर नहीं दिया. बिकॉज आई वॉज लाफिंग सो मच. क्योंकि मैं भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था. एट लास्ट आई सैड,
इट इज़ नॉट माई शर्ट, इट इज़ योर्स. मैंने उसको बताया कि वो मेरी नहीं तुम्हारी शर्ट है. आई नेवर सॉ अ मैन फेस चेंज सो क्विकली. इससे पहले मैंने किसी भी इंसान के फेस को इतने जल्दी जल्दी बदलते नहीं देखा था, लेकिन अब ऐसा हुआ. वॉट ही साउटेड यू डोंकी. जॉर्ज को गुस्सा आया. उसने पूछा कि क्या वो मेरी शर्ट थी? तुम गधे हो बिल्कुल, तुमने पानी में गिरा दी उसको. वाई कांट यू बी केयरफुल विथ थिंग्स. क्या तुम चीज़ों को ध्यान से संभाल नहीं सकते? वाई डोंट यू गो एंड गेट ड्रेस्ड ऑन द रिवर बैंक. तुम नदी के किनारे पर जाकर अपने कपड़े क्यों नहीं बदलते? पीपल लाइक यू डोंट नो हाउ टू लिव ऑन अ बोट. तुम जैसे लोगों को बोट पर रहना आता ही नहीं है. आई ट्राई टू टेल हिम हाउ फनी इट वॉज. मैंने उसे बताने की कोशिश की वो कितना फनी था, बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड. लेकिन वो नहीं समझा क्योंकि वो भी गुस्से में था. जॉर्ज इज़ अ लिटिल स्लो एंड अंडरस्टैंडिंग अ जोक समटाइम. क्योंकि जॉर्ज को बहुत जल्दी से जोक समझ में नहीं आते. हैरिस सेड, आई एम कुकिंग स्क्रैम्बल्ड एग फॉर ब्रेकफस्ट दिस मॉर्निंग. वंस पीपल ट्राई माई स्क्रैम्बल्ड एग, दे ऑलवेज वॉन्ट दैम. तो हैरिस बोला कि मैं स्क्रैम्बल एग बना रहा हूँ और एक बार कोई इसे खा लेता है तो वो इतना बड़ा फैन हो जाता है कि वो उसे बार बार खाना चाहता है. इतने टेस्टी स्क्रैम्बल एग वो बनाता है. ही वॉज क्वाइट फेमस फॉर हिज स्क्रैम्बल्ड एग. और उसे काफ़ी अच्छे से वो स्क्रैम्बल्ड एग बनाने आते थे. जॉर्ज एंड आई गॉट द स्टोव एंड द फ्राइंग पैन रेडी. हमने सारा सामान रेडी रखा, इसमें स्टोव था, फ्राइंग पैन था. देन वी लुक्ड फॉर द एग्स दैट वरंट ब्रोकन. फिर हमने अंडों को ढूंढना शुरू किया जो हम लेकर आए थे, जो कि फूटे हुए नहीं थे, सही सलामत थे. वी फाउंड ओनली 6 ऑफ देम. तो बाकी के तो सारे फूट गए थे, लेकिन जो 6 अंडे थे वो अभी भी सही सलामत थे. नाउ यू कैन स्टार्ट, वी सेड. तो हमने उससे कहा कि ठीक है, अब तुम बनाना स्टार्ट करो. ब्रेकिंग द एग्स वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हैरिस. हैरिस के लिए अंडों को फोड़ना काफ़ी मुश्किल था. द एग गॉट ऑन हिज ट्राउजर्स एंड वेंट अप हिज आर्म. जो अंडे थे वो उसके ट्राउजर से फिसल कर उसके आर्म्स पर आ गए. ही पुट 6 एग्स इनटू द फ्राइंग पैन. और उसने वो 6 के 6 अंडे फोड़ कर फ्राइंग पैन में डाल दिए. देन ही स्टार्टेड डाउन बाय द स्टोव एंड मिक्स देम विद अ फॉक. फिर उसने कांटे से उन सभी को फ्राई करना स्टार्ट किया. जॉर्ज एंड आई सॉ दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट वर्क. जॉर्ज ने और मैंने देखा कि वास्तव में ये काम तो डिफ़िकल्ट था. हैरिस ऑफन बर्नड हिज फिंगर्स. हैरिस की उंगलियां भी कई बार जली, हमने ये देखा. देन ही डांस अराउंड द स्टोव. और फिर वो स्टोव के आसपास नाचने लगा. ही वेव्ड हिज हैंड इन द एयर एंड शाउटेड. वो हवा में उसके हाथों को लहराता जब उसके हाथ जल जाते तो, और फिर वो जोर जोर से चिल्लाता. जॉर्ज एंड आई थॉट दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिज कुकिंग मैथड. तो हम दोनों ने ये सोचा कि ये उसकी कुकिंग मैथड का कोई एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा जैसा वो कर रहा है. We did not know what scrambled eggs were. हमें नहीं पता था कि scrambled eggs कैसे होते हैं. We thought that they were some of red Indian food and to cook them correctly. हमने सोचा कि मतलब वो कुछ इंडियन फूड होगा और इसी तरीके से ये उसको बना रहा है. It was necessary to do special dances with magic word. हमें ऐसा लगा कि इसको बनाते समय डांस करना कंपलसरी होता होगा. Montmorency went to put his nose over the frying pan once. Montmorency एक बार वो frying pan के पास में गया ताकि वो उस smell को feel कर सके. And burned himself. और वो भी जल गया. He too began dancing around and barking. और वो भी जल के उछलने लगा और वो भी भौंकने लगा. It was interesting and exciting to watch this show. और ये show देखकर हमें बड़ा मज़ा आया. George and I were sorry when it was finished. और जब ये सब कुछ ड्रामा फिनिश हुआ, फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि जो अंडे थे वो बनकर तैयार थे. द वो वेरी लिटिल टू ईट. और वो बहुत ही कम रह गए थे पकने के बाद में. 6 एग हैड गॉन इनटू द पैन बट ऑल दैट केम आउट वाज अ टीस्पून फुल ऑफ बर्न्ड एग. और 6 अंडे जो पकने के लिए डाले थे उसमें से केवल एक टीस्पून भरा ही क्वांटिटी भरा मटेरियल इतना हमारे हत्ते लगा था, बाकी सब अंडे जल चुके थे. द प्रॉब्लम इज द फ्राइंग पैन, हैरिस सेड. हैरिस ने बोला कि फ्राइंग पैन में ही गड़बड़ है. आई नीड अनदर टाइप ऑफ पैन एंड अनदर स्टोव. मुझे दूसरा पैन दो और दूसरा स्टोव दो, मैं फिर से अंडे बनाता हूँ. वी डिसाइडेड नॉट टू ट्राई स्क्रैम्बल लाइक अगेन अंटिल हैरिस हैड द राइट पैन एंड स्टोव. हमने सोचा, डिसाइड किया कि जब तक हैरिस के पास में राइट पैन और स्टोव नहीं होगा तो हम स्क्रैम्बल लाइक दोबारा से नहीं बनाएंगे. So this is the end of this chapter here. इसके आगे के chapters हम अगले part में continue करेंगे. Till then,
अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को आगे के चैप्टर्स और ऐसे ही स्टोरी वीडियोस, नॉवल रीडिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट. टिल देन, वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू.